ये है नसीरुद्दीन शाह जी का घर। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी घर में रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे एक्टर का घर जो अपने डायलॉग को लेकर फेमस थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नसीरुद्दीन शाह जी का घर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनका घर मुंबई में कहाँ पर है और उस घर में कौन कौन रहता है और उस घर की प्राइस क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने कर्मा, सरफरोश, मोहरा, त्रिदेव, गुलामी जैसी मूवी देखी ही होगी और उस मूवी में नसीरुद्दीन शाह जी अपना किरदार कितने अच्छे से निभाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाएंगे। दोस्तों, वो सभी एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, वो या अक्षय कुमार हो, सैफ अली खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं कि आज वो अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं और कौन कौन उनके साथ में रहता है, तो सब कुछ दिखाएंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइज, काफ़ी ढूंढने के बाद हम नसीरुद्दीन शाह जी के घर पे पहुंच चुके हैं और ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं, ये गेट नसीरुद्दीन शाह जी का है और इस बिल्डिंग का नाम है सेंट फेवेल्स। जी हाँ, और इस बिल्डिंग में भी दो गेट हैं। अभी हम आपको इस बिल्डिंग को चारों तरफ से अच्छे से दिखाएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नसीरुद्दीन शाह जी अपनी फैमिली के साथ कौन सी फ्लोर पे रहते हैं और उनके इस फ्लैट कहिए या घर कहिए, उसकी प्राइस क्या है, सब कुछ बताऊंगा। और उनके नेटवर्थ के भी बारे में बताऊंगा कि वो अभी महीने का कितना कमाते हैं और अभी उनके साथ कौन कौन रहता है। तो देखिए थोड़ा बाहर का नज़ारा, जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके घर के सामने एक यहाँ पर दुकान दिखेगी जहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाता है और हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं। आज मौसम भी काफ़ी सुहावना है, बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और सामने एक आपको पार्क देखने को मिलेगा। इसी पार्क के जस्ट अपोजिट साइड ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, यही नसीरुद्दीन शाह जी का बिल्डिंग है। इनका घर मुंबई के बांद्रा के पाली हिल पैरी क्रॉस रोड पर है। तो अभी हम आपको पूरा एड्रेस सब कुछ आगे बताएंगे और चलिए थोड़ा सा पहले इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, इनके जीवनी के बारे में, इनका स्ट्रगल के बारे में और इस घर की प्राइस क्या है और इस घर में कौन कौन रहता है, सब कुछ पूरा बारीकी से हम बताएंगे। तो देखिए ये जो बिल्डिंग है काफ़ी बाहर से भी खूबसूरत लग रही है और आप लोग कहीं भी जाओगे पूरे बांद्रा में, अधिक से अधिक एक्टर्स के घर पर आपको उनके बाहर ग्रीनरी ज़्यादा देखने को मिलती है, पेड़ पौधे होते हैं, सही से वीडियो नहीं आती है, इसलिए हम चारों तरफ से आपको घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, सबसे ऊपर का जो दो फ्लोर है ना, नसीरुद्दीन शाह जी उसी में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और उसकी प्राइस है 20 करोड़ रुपये। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है सेंट फेवेल्स। अभी मैं आपको गेट के सामने से ले चल कर दिखाऊँगा, यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ के कारण वो ढका हुआ है, जिस रास्ते से गाड़ी निकल रही है वही मेन गेट है। तो इनके घर की प्राइस 20 करोड़ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आगे का कुछ नज़ारा इस तरह का है, काफ़ी वीआईपी एरिया है। आप सभी को तो पता है कि नसीरुद्दीन शाह जी मूवी में कितना अच्छा अपना रोल निभाते थे और उस टाइम वो काफ़ी पैसे भी कमाते थे, लेकिन अभी वो इतना पैसा कमाते हैं ना कि आप जब सुनोगे उनके नेटवर्थ के बारे में कि वो एक महीने का कितना कमाते हैं, साल भर का कितना कमाते हैं, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ यही घर है, इनके पास और सारे भी घर हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। इनको हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का पैमाना भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह महज 14 वर्ष की उम्र में ही सिनेमा में आ गए थे। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका पहला थिएटर शो 1979 में रिलीज हुआ था। थोड़ा सा चलिए चलते हैं मेन गेट के सामने, थोड़ा अच्छे से अंदर का आपको जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है उसको भी अच्छे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर वो जो कार खड़ी है सबसे पीछे और ये सामने वाली, ये दोनों की दोनों कारें नसीरुद्दीन शाह जी की हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब गार्ड रहते हैं यहाँ पे तो हम गार्ड से पूछ के ही वीडियो बनाते हैं और उनसे पूछते भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर बता देते हैं। तो देखिए यही उनकी कारें खड़ी हैं और बिल्डिंग भी काफ़ी सुंदर लग रही है बाहर से देखने में। और गार्ड साहब देखिए वो खड़े हैं, वही हमको बताए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यही है नसीरुद्दीन शाह जी का घर।
जो यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह जी हैं वो अपने करियर की शुरुआत जो फिल्म थी निशान से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियाँ थीं। उसके बाद इन्होंने मासूम, कर्मा, इजाजत, जलवा, हीरो हीरा लाल, गुलामी, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा सरफरोश जैसी हिट फिल्में दी। इनके माता का नाम फारूक सुल्तान और पिता का नाम अली मोहम्मद शाह है, और इनके एक बड़े भाई हैं जमीरुद्दीन शाह, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी मनारा सीकरी से हुई थी, जिनसे उन्हें एक लड़की है जिसका नाम हिबा शाह है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने रत्ना पाठक से दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें दो बच्चे हैं जिसका नाम इमाद और विवाना है। नसीरुद्दीन शाह जी को सन 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और इनको कई बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी दिया गया है। नसीरुद्दीन शाह जी बांद्रा वेस्ट मुंबई के एक लग्जरी बंगले में रहते हैं, और इनको कारों का भी बहुत ही शौक है। नसीरुद्दीन शाह की कुल संपत्ति के बारे में आपको बता दें तो इनकी कुल संपत्ति 365 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, ये मंथली यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, और अगर इनकी सालाना कमाई की बात करें तो इनकी सालाना कमाई 12 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच में होती है। इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी प्राइस 9 करोड़ रुपए है, और इनके घर की कीमत 20 करोड़ रुपए है। नसीरुद्दीन शाह के स्वामित्व वाले कार ब्रांडों में इनके पास ऑडी भी है। इनके घर का एड्रेस हम आपको बता दें तो इनके घर का एड्रेस है 204 सैंड फेबल्स पेरी क्रॉस रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। गाइज, आपको बता दें कि मुंबई में इनके इस अपार्टमेंट के अलावा एक बंगलो भी है, और ये कई सारे रियल इस्टेट में भी अपने पैसों को लगाए हुए हैं। तो देखिए, जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग है। आपको हम साइड से भी दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा लग रहा है। तो इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में हमारे नसीरुद्दीन शाह जी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी वाइफ रत्ना पाठक और अपने बच्चों के साथ। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए एक्टर्स के घर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।